और एक बड़ी खबर का रुख पानीपत से करें। यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए क्लर्क। स्थायी टेंट लगाकर आंदोलन को तेज कर दिया गया। यहाँ काम छोड़कर अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए क्लर्क। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। के सभी डिपार्टमेंट के क्लर्क पिछले दो दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं अपनी मांगों के चलते। इस वक्त हम पानीपत सचिवालय के सामने की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहां पर पिछले दो दिन से तमाम डिपार्टमेंट के क्लर्क अपनी मांगों के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी मांगे क्या है और कब तक इनकी हड़ताल चलेगी, सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे है सर, और आपका प्रदर्शन हरियाणा में कहाँ कहाँ पर है? सर, हमारा हरियाणा के अंदर पूरे हरियाणा के डीसी ऑफिस के बाहर क्लर्क एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 18 जून को पिछले महीने प्रदर्शन किया गया था सीएमसीटी करनाल के अंदर। लेकिन वहाँ हमें लिखित में आश्वासन दिया गया था कि 4 तारीख तक आपकी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करवा दी जाएगी, लेकिन कोई भी मीटिंग नहीं की गई। इसके चलते हमें हड़ताल पे आना पड़ा। पूरे डीसी ऑफिस के अंदर हमने हड़ताल कर रखी है सर, पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर। ये हुआ किस वजह से है, उस पृष्ठभूमि में भी चलते हैं। 1996 से लेके और आज तक क्लर्क के पे कमीशन को पीछे रखा गया है। पहले क्या होता था कि क्लर्क की सैलरी JBT टीचर, MPSW और जूनियर इंजीनियर, इन तीनों में सबसे ऊपर होती थी। लेकिन 96 का पे कमीशन आया, उसके बाद 2006 का पे कमीशन आया, उसके बाद 2016 में पे कमीशन आया। हमारे को ये कह दिया गया पिछले साल भी कोर्ट केस के अंदर, क्लर्क क्या करता है, सिर्फ डायरी डिस्पैच करता है। सर, क्लर्क सारे काम करता है।